सत अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और प्राण प्रतिष्ठा के हवाले से आरजे रौनक की वीडियो है। आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्त वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमारे राम आ गए। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए। कि मंदिर वही बना है जहाँ बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए। राम प्रभा है, राम प्रभाव है, राम नीति भी है, राम नीति भी है। दोस्तों कहते हैं मरने से कुछ वक्त पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस दुनिया से विदा लेंगे तो कल हुई प्राण प्रतिष्ठा का वो पल हमारी आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या यूं कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसे देखकर शायद ही कोई भारतवासी न रोया, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम न हुई हों, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू होगा जो भावुक न हुआ। सच कहूं तो जिस दौरान मैं ये सब बोल रहा हूं मेरा रोआ रोआ कांप रहा है। मैं अब भी इस पल की डिविनिटी को, दिव्यता को महसूस कर पा रहा हूं। मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा कि क्या सच में रामलला अपने घर लौट आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपनी जिंदगी से कितनी भी शिकायतें, कितनी भी कंप्लेंट्स क्यों ना हो, आपको ईश्वर से शिकायत हो कि मैं गरीब घर में क्यों पैदा हो गया, आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फला जाति में क्यों जन्मा हूं, हो सकता है आपको अपने रंग या रूप, अपने लाइफ पार्टनर से भी कितनी ही शिकायतें क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा कि आप उस दौर में जन्मे हैं जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा था। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है रौनक। दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे थे। विश्वास रखिए दोस्तों, अपने लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा देखना ही इतना बड़ा सौभाग्य है कि उसके सामने दुनिया की सारी दौलत, सारी शोहरत, सारी खुशियां, सारा पैसा कोई मायने नहीं रखता। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आजादी की खुशबू महसूस की। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा, क्या फीलिंग होगी उनकी। ठीक उसी तरह आज से 500 साल बाद भी जब लोग 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेंगे तो रोमांचित हो उठेंगे। वेरी डिवाइन ओकेजन, ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। अब सोचिए, क्या आपसे बड़ा कोई खुशनसीब है, क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं है तो इसी पल अपने मन से जिंदगी को लेकर जितनी भी कड़वाहट है उसे थूक दीजिए। अपने जीवन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायतें हैं उसे भूल जाइए और सिर्फ 22 जनवरी का दिन देखने के लिए खुद को सबसे स्पेशल मानिए, उसके लिए ईश्वर को थैंक यू बोलिए। मुझे याद नहीं आता कि टीवी पर कल का ये कार्यक्रम देखने के दौरान कितनी दफे मेरी आंखें नम हुई होंगी। मुझे याद नहीं आता कि इससे पहले किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश एकजुट हुआ हो। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त साध्वी रितंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगे। ये वो ओजस्वी महिलाएं हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और अब जब सालों बाद इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू रोक नहीं पाए और वहीं भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगे। ऐसी एक नहीं, कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे सामने आई। मुझे यकीन है इनमें से बहुत सारी तस्वीरें आपने भी नहीं देखी होंगी।
ये वो तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं और कई लोगों के झूठ का भंडाफोड़ करती हैं। मगर इससे पहले कि मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है प्रोबो और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करें। हम सबकी लाइफ में अलग अलग मुद्दों पर हम सबकी ओपिनियन होती है, हाँ या ना। मैं इस प्लेटफॉर्म पर आप ओपिनियन देकर ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। 25 तारीख से इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने वाला है। क्या लगता है इंडिया जीतेगा? क्या लगता है रोहित शर्मा पहले टेस्ट में 25 या उससे ज्यादा रन बना पाएंगे? ऐसे कई सारी कैटेगरीज के कई सारे सवाल हैं। बस आपको हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देनी है और क्वांटिटी बढ़ाकर इन्वेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले प्रोबो डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। वो ये भी इल्जाम लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ पॉलिटिकल फायदा उठाना चाह रहे हैं। मुझे नहीं पता इस तस्वीर से मोदी पर हमला करने वाले संतुष्ट होंगे या नहीं, मगर ये तस्वीर मुझे बहुत भावुक कर गई। पर वो जानते रहे उनका जो परिश्रम। उन साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। दोस्तों, ये दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि वक्त से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता। पहली तस्वीर जो 33-34 साल पुरानी है, जिस वक्त मोदी जी न तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, न उनकी गिनती बीजेपी के बड़े नेताओं में होती थी। वो एक आम असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को याद करते हुए रो पड़े। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाह रखने वाला हर आम हिंदुस्तानी, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता है मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि उसने सारी चीजें 360 डिग्री बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने, फिर देश के प्रधानमंत्री बने, फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और टूटने के करीब 500 सालों बाद जब रामलला का मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। एक पल के लिए आप अगर पॉलिटिक्स को साइड भी कर दें तो अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत, हौसला और दृढ़ता की ऐसी कोई दूसरी मिसाल, ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल आपको पिछले सैकड़ों सालों में शायद ही कोई दूसरा देखने को मिले। एक वक्त पर आप मजबूर हैं, टूटे हुए हैं, रो रहे हैं और अपनी हिम्मत और हौसले से आप वो दिन देखते हैं जब आप आज खुश हैं, मजबूत हैं और आपकी आंखों के सामने वो हो रहा है जिसका सपना आपने हमेशा से देखा था। लोक रथ है, जनता का रथ है जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। दोस्तों, मंदिर बनना सिर्फ हिंदुओं के संकल्प की जीत नहीं है बल्कि ये भी बताता है कि एक देश के तौर पर हमारा चरित्र क्या है। आप एक पल के लिए जरा सोच कर देखिए, भारत की 80% से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है। हिंदुओं के सबसे पूजनीय भगवान है श्री राम। श्री राम का जन्म स्थल है अयोध्या। इसके बावजूद हम अपने ही भगवान को उनका घर दिलवाने के लिए 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे। बताइए, आजादी के बाद भी इस लड़ाई को जीतने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा रहे थे। क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि किसी और धर्म में उन्हीं के पवित्र स्थान को बनाने के लिए इतने सालों तक स्ट्रगल किया जाए, या कोई और धर्म अपने भगवान के जन्म स्थान पर उनका घर बनवाने के लिए इतना संघर्ष करता? आप बताइए, बिल्कुल नहीं करता। वहां मर्जी पूछना या अदालत में जाना तो दूर, रातों रात दूसरे पक्ष को कुचल दिया जाता। आप अत्याचार कीजिए, मार डालिए, नहीं जाएंगे आप गोली चलाइए। आज मंदिर बनने पर लोगों की खुशी देखकर हैरानी भी हो रही है कि दूसरे पक्ष को अच्छे से पता था कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना हिंदुओं के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मायने रखता है। मेरी बात पर मत जाइए, हेलो, अपने आसपास नजर दौड़ाइए, अपनी सोसाइटी, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मोबाइल में आ रहे वीडियोस पर नजर डालिए और बताइए कि क्या आपने अपने आसपास लोगों को कभी किसी एक कार्यक्रम के लिए इतना खुश, इतना एक्साइटेड देखा था क्या? यही मेरा कहना है कि ऐसा तो नहीं है ना कि दूसरे पक्ष को ये पता नहीं था कि हिंदुओं के लिए भगवान श्री राम के क्या मायने हैं, फिर भी उन्होंने न एक पक्ष की भावनाओं को समझा, न उनके कल्चर और धर्म की इज्जत की, बल्कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तब भी वो जहर उगलने में लगे।
ट्विटर पर आपको एक तरफ से ऐसे बीसियों अकाउंट मिल जाएंगे जो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी मंदिर बनने को लेकर जहर उगल रहे हैं। वो विवादित ढांचा तोड़कर मंदिर बनाने की बात तो करते हैं, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उन्हें कैसा लगता अगर उनके किसी पवित्र स्थान को तोड़कर दूसरा पक्ष वहां मंदिर बना लेता। जब उनसे ये पूछा जाता है कि विवादित ढांचे को क्या मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया, उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। वो ASI की रिपोर्ट को भी नहीं मानते, वो सालों तक विवादित ढांचे में हो रही पूजा को भी नहीं कबूल करते, वो तो बस मंदिर बनने के बाद से लगातार जहर उगल रहे हैं। ये राम जन्मभूमि, यही राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं, कहाँ खेसरा खतिहान प्लॉट नंबर कुछ है, है कोई प्रमाण? प्रभु श्री राम का अपमान करने वाले पहले भी थे और अब भी हैं, मगर जैसे पहले वालों को आज कोई नहीं पूछ रहा है, अब वालों की भी वही गत होगी, मगर उनमें और हम में यही फर्क है। और सबसे बड़ा फर्क तो कल मोदी जी ने खुद बता दिया, एक शाहजहां था जिसने ताजमहल बनवाने वालों के हाथ काट दिए थे, और एक हम हैं जो मंदिर बनाने वालों पर फूलों की वर्षा करते हैं। एक वो बादशाह थे जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप तक का कत्ल कर देते थे, और एक हमारे प्रभु श्री राम जिन्होंने सिर्फ अपने पिता की बात का मान रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े राज्य का राजपाट ही छोड़ दिया, वन में चले गए। यही फर्क है सनातन संस्कारों और बाकी लोगों में। ये संस्कार भगवान श्री राम के ही तो दिए हैं, जिनमें हम दूसरे का छीन कर पाना तो दूर, खुद अपना भी दूसरों के सम्मान में छोड़ देते हैं। मंदिर बनाने वाले कार्यकर्ताओं पर मोदी जी की यह पुष्प वर्षा उन्हीं भारतीय संस्कारों को दिखा रही थी। दोस्तों, बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर तो बन गया, रामलला अब विराजमान हो गए, अब इससे बदलेगा क्या, उससे होगा क्या? मैं बताता हूं उससे क्या होगा। दोस्तों, दुनिया का कोई भी शास्त्र उठाकर देख लीजिए, उसमें क्लियरली ये लिखा है कि कोई इंसान तब तक लाइफ में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता। कोई भी इंसान अपने माँ बाप की इज्जत किए बिना लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने आसपास भी नजर घुमाकर देख लीजिए, जिन लोगों ने भी ऐसा किया उनका फिर हश्र क्या हुआ। ये इज्जत, ये सम्मान दिया गया है हमारे शास्त्रों में माता पिता को, उन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है, भगवान का। अब आप ऐसी सोसाइटी के बारे में सोचिए, ऐसे समाज के बारे में सोचिए जहां उस समाज के सबसे बड़े आराध्य का ही सम्मान न हो रहा हो, जहां उनके सबसे पूजनीय भगवान को अपने घर में ही जगह न मिल रही हो, जहां उनके बच्चे अपने भगवान को उसका घर न दिलवा पा रहे हो, जहां उनके प्रभु श्री राम एक टेंट में गुजर बसर कर रहे हो। भगवान राम ने 14 साल का वनवास तो अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए खुद भुगता था, मगर इस देश में 500 सालों का वनवास वो इसलिए भुगत रहे थे क्योंकि उनके भक्त, उनकी संतानें उनको उनका घर नहीं दिलवा पा रही थी। और जो देश, जो सोसाइटी अपने ईश्वर को ही उसका घर नहीं दिलवा सकती, उनको सम्मान नहीं दिलवा सकती, वो भला क्या ही तरक्की करेगी। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। इसलिए जो भारत एक वक्त पर सोने की चिड़िया हुआ करता था, जिसकी संपन्नता के आगे आज के अमेरिका और यूरोप भी पानी भरते थे, वो भारत देखते ही देखते दुनिया के सबसे पिछड़े देशों में शामिल हो गया। और आप देखिए, 90 के दशक में जैसे ही प्रभु श्री राम के सम्मान की लड़ाई शुरू हुई, ये देश भी उसी वक्त तरक्की करने लग गया। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों घटनाओं का एक ही वक्त होना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। और आज 2024 में जब सालों की लड़ाई के बाद प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हो गए हैं, तो इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस देश की आत्मा पर जो सबसे बड़ा कलंक था, वो अब धुल गया है। इस देश की सामूहिक चेतना पर जो सबसे बड़ा बोझ था, वो अब हट गया है। इसलिए आज के बाद से जो तारीख शुरू होगी, उसका एक एक दिन एक नए भारत की सुंदर तस्वीर रचेगा, और हालात आज उसी की गवाही दे रहे हैं। आज भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो रूस से तेल भी लेता है और जिसके प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में न्योता भी पाते हैं। आज भारत वो देश है जो दुनिया भर में फैली मंदी के बावजूद बचा रहा। आज भारत दुनिया का इकलौता देश है जो 7% की दर से तरक्की कर रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, मगर मैं चाहूंगा कि उन चीजों को बताने की बजाय अब आइए उन चीजों को होते हुए देखा जाए। और दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि प्रभु श्री राम की संतान होने के नाते हम सबका सालों पुराना अधूरा फर्ज पूरा हो गया है। उम्मीद करते हैं ईश्वर की नजरों में हमारा ये प्रायश्चित पूरा हो गया है, और इसी के साथ प्रभु श्री राम हमारे लिए भाग्य के द्वार जरूर खोलेंगे। अभी तो काशी और मथुरा की लड़ाई भी बाकी है, वो भी जरूर लड़ी जाएगी, मगर फिलहाल वक्त है इस पल के आनंद का। भारत में नई ऊर्जा है, भारत में आज नई किरण है, और सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आने के कारण आज सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है, और इसी तेजोमय के साथ अब भारत विश्व गुरु की यात्रा प्रारंभ करेगा। और इस भारत में
जातिवाद का जहर मिटेगा, क्योंकि राम सबरी के थे, राम वाल्मीकि के थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। जय सिया राम। तो दोस्तों, ये था भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर हमारा आज का कार्यक्रम, हमारी आज की ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके दिल को छुई हो, तो प्लीज इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका हर एक शेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को जब आप देख रहे थे तो कैसा महसूस कर रहे थे, प्लीज कमेंट करिएगा। और हाँ, अपना ओपिनियन देकर अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो प्रोबो ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया है। 25 रुपीज का आपको वेलकम बोनस मिलेगा, कई सारे टॉपिक्स हैं, सिर्फ हाँ या ना में आपको ओपिनियन देना है और आप पैसे जीत सकते हैं। और एक बार तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। प्लीज अपना ख्याल रखें, और अगर नहीं भी रखेंगे तो प्रभु श्री राम है ना। जय हिंद, जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आरजे रौनक का, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, बहुत ही वो क्या कहते भावुक वीडियो था, रोंगटे खड़े कर देने वाला, और हकीकी मानों में बेस्ट एक वीडियो था इन सब वीडियोस में। और क्योंकि जब थोड़ी सी ऐसी जो टचेस टच कर जाती हैं बातें, इमोशंस को जगा देती हैं बातें, वो बड़ी ही अच्छी लगती हैं। और 500 सालों तक इंतज़ार, और इंतज़ार के इस लम्हे को जिसने जी लिया है, वाकई में लोग उसकी किस्मत पर रश करेंगे, और सबसे बढ़कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का नाम आएगा उन लोगों में जिन पर रश किया जाएगा। उनके हाथों ये प्राण प्रतिष्ठा हुई, उद्घाटन हुआ, अब लोग खुलकर आ जा सकेंगे, और मंदिर बन गया, अब वहाँ पे वो लोग अपनी पूजा पाठ करेंगे, उन्हें किसी भी चबूतरे की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, दिल तो दुखता है, अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में, अपनी ताकत होने के बावजूद एक चबूतरे पे इबादत पूजा पाठ करना, और बड़ा ही दुखी लगता है, बड़ा ही ऐसा रो देने वाला लगता है कि काश के हम वो उस जन्मभूमि को हासिल कर पाते, यहाँ एक भव्य मंदिर होता राम का। कब से, अब से नहीं, कब से लोग इसकी आस लगाए बैठे थे, अब आके उनकी आस अगर पूरी हुई है तो पूरी दुनिया खुश है, और उनकी खुशी का कोई समा नहीं। कोई रो रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई भंगड़े डाल रहा है, कोई दिए जला रहा है, कोई दीप जला रहा है, कोई फूलों की पत्तियां निछावर कर रहा है, और हर एक पूरा का पूरा भारत यहाँ पे खुश दिखाई देता है। बिल्कुल, देखें जी, ये मोदी जी की जो स्पीच थी, मुझे तो वो बहुत दिल को छू गई, कि जैसे उन्होंने इमोशनल स्पीच दी कि भाई हमारे राम जी आ चुके हैं, हमारे राम जी आ गए हैं, कैसे, यानी कि वो देखिए उनके दिल में वो खुशी से, यानी कि कितने वो खुश हो हैं, कि वो कैसे उनके इमोशन, कैसे वो लैंग्वेज उनकी, वो उनसे बोला नहीं जा रहा था, ऐसे वो स्पीच दे रहे थे। और कितने ऐसे ये वीडियो में माएँ बहनें देखी हैं कि जो खुशी के मारे जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, कि इतनी खुशी, इतनी खुशी कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे थे कि ये हम उस दौर में हम हैं, कि जिस दौर में राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम जी अपने घर में पधारे हैं, राम जी को अपना घर मिल चुका है, हम अब राम जी के दर्शन जब दिल करेगा जाके करके आएंगे। और कैसे, यानी कि वो खुशी है उनकी, और जो लफ्जों से बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, आप देखिए कि बिल्कुल ये ऐतिहासिक मोमेंट है, ऐतिहासिक चीजें हैं। जैसे कि आज देखिए अशोक महाराज का नाम लिया जाता है, राणा प्रताप सिंह का नाम लिया जाता है, बड़े बड़े जो है ना उनका नाम लिया जाता है। एक वक्त आएगा जब सैकड़ों सालों बाद मोदी जी का नाम लिया जाएगा, उनके पांडवों का नाम लिया जाएगा, उनकी गोपियों का नाम लिया जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं कि आज वाकई एक ऐतिहासिक दिन है, और इस दिन के लिए बिल्कुल जी उनको अपने आप को भी मुबारकबाद देनी बनती है, कॉन्ग्रेचुलेशन करना बनता है, उस पर फख्र, या हमारे तो फख्र कहते हैं वो हिंदी लैंग्वेज में, पता नहीं अब क्या कहते हैं, वो करना भी बनता है। कि बिल्कुल ये वो मौका है कि जब वो देख रहे हैं नस्ल दर नस्ल, कितनी नस्लें कहते गुजर गई यार, 550 साल कम नहीं होते, 100 साल में मेरा ख्याल है 3 से 4 नस्लें चेंज हो जाती हैं,
तो 550 सालों में कितने लोगों ने ये सारा कुछ देखा होगा। उस वक्त जब ये मंदिर ढाया गया होगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी। फिर जब दोबारा से जो है ना उसका मुकदमा चलाया गया, फिर नहीं हुआ, फिर आंदोलन हुए, फिर आपस में लड़ाइयाँ हुई, फिर जो है ना वो एक थड़ा मुकर्रर कर दिया गया, फिर भी जो है ना उसके ऊपर बाद में फिर मसले मसाइल बने, फिर पाबंदियाँ लग गई, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं जा सकता। और आज देखिए हजारों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में लोग वहां पे पहुंच चुके हैं और वहां पे अब दर्शन भी कर रहे हैं, राम जी वहां पे आ भी चुके हैं। तो ऐतिहासिक दिन है, तो बिल्कुल जी ये एक इमोशन भरा दिन है और ये वो जज्बाती पल है, ये जो वो लैंग्वेज है, ये वो अल्फाज है जो बयान नहीं किए जा सकते, ये वो एहसास है जिसको महसूस किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता लफ्जों के अंदर। बिल्कुल जी बहुत ही जबरदस्त था। और देखिए कि किस तरीके से हर कोई अपने अपने तरीके से, किसी की आंसुओं से लड़ी जो है ना वो लगी हुई है, कोई खुशी से निहाल है, कोई दीपक चला रहा है, कोई पत्तियां निशावर कर रहा है, कोई रंग फेंक रहा है, कोई भवा रंग पहना हुआ है, किसी ने सफेद रंग पहना हुआ है, हर रंग में हर कलर में अपने अपने तरीके से वो खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी ये बहुत ऐतिहासिक खुशी है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त मौका है, खुशी है, हिस्ट्री कायम हो गई है और हिस्ट्री में लिखे जाएंगे सुनहरे लफ्जों से ये दिन, ये पल, ये 22 जनवरी मोदी जी और मोदी जी के शामिल होने वाले जितने भी महान लोग थे इस कार्यक्रम में शामिल हुए सबके नाम लिखे जाएंगे। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।